हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, फाइनली बोर्ड ने 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 12th के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज रहते हैं जो इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, वो कंफ्यूज रहते हैं सर फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, क्या फिजिक्स का पेपर हार्ड आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, फिजिक्स में मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मुझे डेरिवेशन नहीं आते, कैसे हम अच्छा नंबर लाएंगे। तो फाइनली बोर्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है, कठिन आएगा या सरल। पूरा पेपर मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद, इस पेपर को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आखिरकार 2024 में फिजिक्स का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इससे पहले मैंने आपके जो और सब्जेक्ट है उनका मॉडल पेपर मैंने आपको दे दिया। तो देखिए, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा, ठीक है। निर्देश आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करना है, ठीक। अब देखिए यहां पे दूसरा निर्देश क्या है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ बा सा दा या, यानी कि प्रश्न पत्र में आपके 5 खंड होंगे आ बा सा दा या, ठीक है। खंड आ जो है वो बहुविकल्पीय है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब आपको जानकारी दी जा रही है। सेकंड है खंड बा अतिलघुत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा जो है ये लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक अंक 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न। और खंड या दा जो है ये लघुत्तरीय प्रश्न ये भी है दूसरे प्रकार का, ये 3 नंबर वाला लघुत्तरीय प्रश्न होगा। और जो खंड या होगा ये विस्तृतोत्तरीय प्रश्न होगा जो कि 5 नंबर का होगा। और इसमें आपको चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना होगा, ऐसा विकल्प भी आपको दिया जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। तो ये तो थे निर्देश भैया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। मैंने पहले ही बताया कि 70 में से 35 से 38 तक जो क्वेश्चन है वो लघुत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, इसीलिए जोड़ दीजिए, अच्छे से पढ़िए लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए विथ सॉल्यूशन में आपको पेपर बताऊंगा, ठीक है। खंड आ, देखिए खंड आ सबसे पहले देखेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 1-1 नंबर वाला। देखिए का है, फर्स्ट का है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, बताइए इन चारों में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य जो है वो न्यूनतम है, किसकी वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगी 1 नंबर का। फर्स्ट है पराबैंगनी किरण, सेकंड है एक्स किरण, थर्ड है सूक्ष्म किरण, फोर्थ है गामा किरण। तो भैया जो गामा किरण है इन चारों में से इसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है बाकी तीनों के कंपैरिजन में। खा वाला देखिए, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। अगर एक गतिमान कण का संवेग p है तो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, मैंने बताया था डी ब्रोकली तरंग दैर्ध्य। फर्स्ट है h अपान p, सेकंड है p अपान h, थर्ड है p h, फोर्थ है p। तो भैया लैम्डा इक्वल टू h अपान p होता है, ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी भी होता है क्योंकि पी इक्वल टू एम बी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, कोई इसमें बिना डाउट के आप लोग इसको सही कर दीजिए, सिंपल सा है। गा वाला देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, बताइए जो किरचॉफ जी का पहला नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है। फर्स्ट है ऊर्जा, सेकंड है संवेग, थर्ड है आवेश, फोर्थ है द्रव्यमान। तो भैया वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर निर्धारित है, ठीक है। घा देखिए, पीएन संधि डायोड, देखिए ये पीएन लिखा है, इधर पी कर दीजिएगा कहीं कहीं अगर प्रॉब्लम होगा, देखिए पी, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल, यानी कि पीएन संधि डायोड में, ये आपके लास्ट चैप्टर अर्धचालक का क्वेश्चन है, तो पूछा जा रहा है पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या है। फर्स्ट है अल्पसंख्यक आवेश, सेकंड है बहुसंख्यक आवेश, थर्ड है ग्राही आयन, फोर्थ है दाता आयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्पसंख्यक आवेश। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है अल्पसंख्यक आवेश। नेक्स्ट अंगा नंबर, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्य वाहक कौन होते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन टोटल बहुविकल्पीय रहेंगे, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ये भी अर्धचालक का क्वेश्चन है, पी टाइप और एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं इसमें बहुसंख्य वाहक क्या होते हैं, क्रमशः आपको बताना है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन होगा, नो। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन क्वार्टर, क्या पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, एन टाइप में क्वार्टर होगा, ये भी गलत है, उल्टा होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहां से देखेंगे हम, थर्ड है क्वार्टर इलेक्ट्रॉन और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन व धनायन। तो भैया क्वार्टर इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। देखिए
पी टाइप में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे क्वार्टर होंगे, एन टाइप में होंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। घा वाला अंचा वाला देखिए लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? बताइए जो मीटर सेतु है इसकी तार किस धातु की बनी होती है? फर्स्ट है लोहा, सेकंड है कॉपर, थर्ड है मैग्नीन या यूरेका, फोर्थ है स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैग्नीन या यूरेका। मीटर सेतु की जो मीटर ब्रिज होती है इसकी धातु जो है इसकी जो तार है वो मैग्नीन या यूरेका की बनी होती है। एक नंबर ये भी, टोटल छह क्वेश्चन एक नंबर के, टोटल छह नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न होगा खंड बा, ये भी एक एक नंबर का होगा। देखिए का है, देखिए भैया इसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि ये फिजिक्स है। अगर पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे स्पेशल स्पेशल तो हम स्पेशल वीडियो भी आपको लिए लाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं दूंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है जितने भी तैयारी अच्छे से करनी है, जो हमारे स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं वो शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, शुभम लेक्चरर ऐप प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है। ठीक है, और कोई भी डाउट है आपको तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9918332305। जिसको भी बैच परचेज करना है, जिसको भी क्रैश कोर्स लेना है, वो भी हमसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है हम, क्योंकि माय नेम इज शुभम। ठीक है, दूसरे का देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है? एक नंबर। ठीक, अब मैं पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा, यहां से मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, यहां से सॉल्यूशन मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा। बट पेपर पैटर्न मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, कि आप पेपर पैटर्न समझ कर सकें, कितने नंबर का बहुविकल्पी आएगा, कितने नंबर का अतिलघुत्तरीय आएगा, कितने नंबर का लघुत्तरीय आएगा और कितने नंबर का विस्तृत उत्तरीय आएगा। खा देखिए, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र लिखिए, किरण प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन। ग है समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए, नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन या परमाणु का। घ है रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। अंग है संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे एएनडी गेट के लॉजिक प्रतीक बोलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। तो भैया देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि पेपर ऐसा ही आएगा, छह अतिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे, एक नंबर के छह नंबर आपको मिलेंगे। बट जो ये क्वेश्चन दिया गया गेट वाला, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारे सिलेबस से ये टॉपिक हट चुका है गेट। ठीक, तो ये तो आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, जाइए बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, यूपी बोर्ड की, वहां पे सर्च कीजिए, मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है, यही पेपर। तो गेट टॉपिक हट चुका, इसके जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा बट दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब छह क्वेश्चन रहेंगे अतिलघुत्तरीय छह नंबर। अब आते हैं खंड सा पर। अब खंड सा में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो होंगे वो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे दो नंबर वाले। देखिए तीसरे का कहा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है? दो नंबर। फिर खा है, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? दो नंबर। ठीक है, क्या करना है इसमें, कुछ करना ही नहीं है। देखिए हमें धारा आई दिया गया है, ठीक है, और समय 1 मिनट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, फॉर्मूला लगा दीजिए Q इक्वल टू एनी वाला। ठीक है, Q इक्वल टू एनी, एन निकालना है तो Q अपान ई हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे Q दिया ही नहीं गया, अब Q इक्वल टू आई टी होता है, Q के जगह पर आई टी कर दीजिए। I आपको 5 एम्पीयर दिया गया है, T 1 मिनट दिया गया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बताइए, बस निकल गया। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए। गा देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। घा है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी पढ़ा होगा, या लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। ठीक, बस सिंपल सा है। तो ये आपके दो दो नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन, 8 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। फिर 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं खंड दा में। देखिए चौथे का कहा है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। देखिए डेरिवेशन आ गया, वो भी किरण प्रकाश की चैप्टर का। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक, खा देखिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। 3 नंबर, ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, के तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। घा देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र
का सूत्र स्थापित कीजिए। तीन नंबर अंगा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तीन नंबर, तो मेरे कहने का मतलब है काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 3 नंबर के 15 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए मिलेगा। लेकिन 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पर फिनिश नहीं होते, अभी आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए फिर से 5वां क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय 3-3 नंबर वाले। तो आप वैसे ही देख लीजिए, तीर का 5 से गुणा कीजिए, 3 5 15 और 15 15 30, और ऊपर 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न थे 8 नंबर के, 30 और 8 जोड़ दीजिए, 38 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 5 का कहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस से उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। खा है किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी और अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी क्या होगी। ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए गलती आप लोग कहाँ करते हैं, आप लोग क्लासेस डेली ज्वाइन करते हैं, फिर क्या करते हैं आप भटक जाते हैं, कहीं और चले गए या कुछ करने लगे। देखिए आप किसी का भी क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं जो कहता हूँ उसको समझिए, किसी का क्लास ज्वाइन कीजिए, आप उसको रेगुलर पढ़िए, मैं ही नहीं कोई भी हो, क्योंकि उसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, देखिए वो तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता है। अब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उससे बाद में किसी दूसरे टीचर से क्वेश्चन पढ़ा, वही पढ़ा दिए, आप जिससे पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, ताकि वो दूसरा क्वेश्चन लाए, आप तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। गा देखिए एलईडी क्या है परिपथ बनाकर इसके वीआई अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए। खा है किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र के साथ समझाइए। 3 नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा उसको भी देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है अथवा लगाकर, देखिए जो 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होगा इसके नेक्स्ट इसके 5वें जो चौथा क्वेश्चन है घा वाला, उसमें अथवा लगा रहेगा। देखिए एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोरित चुंबकीय क्षेत्र BY कितना दिया गया है, टेस्ला द्वारा दिया जाता है, आपको क्या करना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, और दूसरा है दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर पेपर थोड़ा टफ लग रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर हमेशा टफ नहीं आता, मॉडल पेपर हो सकता है थोड़ा टफ दे दिया गया हो, लेकिन इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको बताऊंगे, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो नहीं पता वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी पेपर जितना आप सोच रहे हैं उतना टफ नहीं आता, ये ध्यान में रखिएगा। अंगा नंबर किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि NB कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 n² eV होती है। एच प्लांक नियतांक की वैल्यू दी गई है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ठीक। तो ये आपको दिया गया है अंगा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी 3 टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 × 5 = 15 मार्क का लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी होगा। लास्ट सेक्शन जो है वो होगा खंड या जो कि होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए क्या रहेगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वैसे तो 8 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक अथवा लगाकर दिया जाएगा, मतलब आपको पता हो तो कर सकते हैं ये दोनों में से किसी एक को। 6 नंबर देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा लगाए नहीं पता ये तो इसको कर दीजिए। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, अथवा लगा रहेगा, दोनों में से जो आपको बताया वो कर सकते हैं। 7वां देखिए 2 × 10⁻¹⁰ मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दिया है μ0/4π = 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया 1.6 × 10⁻¹⁹। देखिए ये जो स्टार मॉडल बना है ये गुड़ा है, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए, 5 मार्क्स, ठीक। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 8 देखिए, मतलब हर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस रहेंगे, दोनों में से एक ही करना है। नेक्स्ट है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्त का सूत्र ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवृत्त प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, इसमें भी अथवा है। नेक्स्ट यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिमी प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबोया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, 5 मार्क्स।
अब इसमें भी ऑप्शन है 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए, इसके आधार इसका इसमें आधार पतला क्यों होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में ये अधिक उपयोगी क्यों है, अथवा लगा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब देखिए आप विस्तृत स्तरीय प्रश्नों को देखेंगे तो 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या तो आपके फर्स्ट चैप्टर के आएंगे या सेकंड चैप्टर के आएंगे या फिर 4 चैप्टर गतिमान आवेश के आएंगे या फिर सबसे लास्ट चैप्टर अर्धचालक के आएंगे, ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये था पूरा 12th फिजिक्स का पेपर, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने आपको बताया कि इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 6 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 6 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो एक तो 8 नंबर का और 2 होंगे 15+15 नंबर का, ठीक है, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर कितना हुआ आप जोड़ सकते हैं, देखिए टोटल मिलाकर ये आपका होगा 70 मार्क्स, ठीक है, 70 मार्क्स, मतलब 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 15, 15, 30, 30+20 = 50 and 20 = 70, ठीक है, तो ये टोटल आपका पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा फिजिक्स का पेपर समझ में आ चुका होगा कि कैसा इस बार आएगा, पूरा फाइनल पूर्णांक क्या रहेगा और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। एक मैंने आइडिया बताया कि आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों के ही आते हैं, तो आज का इंटरेस्टिंग सेक्शन यहीं पर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।